Friends, I am from Sarswati Bal, Niketan, Senior Secondary School from Hanumangarh Junction. Today we'll start Chapter 1, 3 Qutions of Class 7. ठीक है, हम इसको summary based में पूरा chapter को cover कर लेंगे. ठीक है, अब हम line to line इस chapter का meaning समझते हैं. ठीक है, इस chapter में king की बात की गई है, उसके मन में 3 questions होते हैं और वो एक साधु से अपने answers लेगा. ठीक है, ये chapter का meaning समझ में आ गया. फिर अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर. अ किंग थॉट ऑफ फाइंडिंग आउट आंसर्स टू 3 क्वेश्चन सो दैट ही कैन नेवर फेल. मीन्स एक किंग के मन में 3 क्वेश्चन आते हैं. क्यों आते हैं? कि वो अपनी जिंदगी में कभी फेल ना हो. क्या क्वेश्चन थे वो? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग. मीन्स सही काम को करने का क्या राइट टाइम है. विच पीपल शुड ही लिसन टू. मीन्स किसकी बात वो सुने. बट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. इस तीनों का आंसर उसको चाहिए थे. अब हम देखते हैं द किंग सेंड मैसेंजर. मैसेंजर मीन्स जो उसके अंडर काम करता है थ्रू आउट हिज किंगडम टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन. मीन्स उसने मैसेंजर्स को ये बोल दिया कि है ना तुम है ना वहाँ जाके लोगों को बोल दो जो मेरे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा ना मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा. ठीक है, फिर मैनी वाइज मैन स्कीम बट दे ऑल आंसर्ड इस क्वेश्चन डिफरेंटली. मीन्स कई लोग साधु लोग विद्वान लोग आए उन्होंने अलग अलग आंसर्स दिए. ठीक है, बट दे आंसर्स वर सो वैलिड दैट दे डिड नॉट सेटिस्फाइड विद द किंग. मीन्स उसके क्वेश्चन इतने आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट थे कि किंग उससे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ. सो द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस वाई हिज इज हर्मिट. द हर्मिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट. हर्मिट माने साधु. हर्मिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट. ही मीट ओनली सिंपल पीपल. मीन्स उसको अच्छे लोगों से ही सिंपल मतलब ज़्यादा सज सज के ना रहने के बजाय सिंपल लोगों से ही मिलना अच्छा लगता. सो द किंग पुट ऑन प्लेन क्लोथ्स एंड वुक अलोन अप टू द हाउस. मीन्स वो अच्छे से मतलब ज़्यादा अपने श्रृंगार श्रृंगूर भी करके गया. सिंपल से कपड़े पहन के चल गया वो टू द वाइस पर्सन. When the king reached to the hermits, जब king गया hermit के पास उसकी hut में, the hermit was digging the ground in front of his hut. Means वो ground को खोद रहा था. ठीक है, फिर he greeted the king and continued digging. Means वो continued digging करता गया. The king requested him to answer his 3 questions. King ने उसको request करी कि तुम मेरे इन 3 questions का answer दो. ठीक है, the hermit listened to the king but did not speak. उस हर्मिट सुन रहा था उसकी बात पर है ना स्पीक नहीं कुछ बोल नहीं रहा था. ठीक है, द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. मीन्स हर्मिट था कमज़ोर और बहुत ही मतलब साल उसके बीत गए थे. ही वॉज ब्रीथिंग हैवीली मतलब वो बहुत तेज से ऐसे सांस ले रहा था मतलब ज़्यादा तेज तेज सांस ले रहा था. ठीक है, देयर फॉर द किंग टुक द स्पेड फ्रॉम ही एंड स्टार्ट डिगिंग. मीन्स उसने अपना वो ले लिया हालसा और फिर वो खुद डिगिंग करने लग गया था. द किंग कंटिन्यू डिगिंग द ग्राउंड टिल इवनिंग. मीन्स वो शाम तक ही क्या बोलते हैं ना डिग करता गया. अगेन द किंग रिपीट इज क्वेश्चन. मीन्स फिर उसने अपने इवनिंग को क्वेश्चन दोबारा रिपीट करे. एट दैट मोमेंट समवन केम रनिंग टुवर्ड्स द हर्मिट हट. मीन्स एक बंदा आ रहा है भाग भाग के हर्मिट के हट के पास. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट द ब्लीडिंग स्टमक. मीन्स उसके है ना जैसे पेट में से ना खून ही खून निकल रहा है. एज ही रीच द किंग किंग के पास वो पहुंचा ही फेंटेड एंड फेल द ग्राउंड. मीन्स वो लेट गया ग्राउंड पर. द किंग रेस्ट इज बाउंड. मीन्स जो किंग ने थे वो अपना एक कपड़ा फाड़ा जैसे फाड़ लिया अपना साइड से कपड़ा और उसके ना बांध दिया. द किंग एंड द हर्मिट कैरिड हिम टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. मीन्स वो अपनी हट में ले गई और उसको बेड पे बांध दिया. ठीक है, अब देखते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग द बियर्डेड मैन आस्क्ड द किंग फॉर गिवनेस. ठीक है, नेक्स्ट डे उसने पूछा कि क्या हुआ. हाउ ही टोल्ड द किंग दैट द ही वॉन्टेड टू किल हिम. मीन्स किंग को उसने बोला कि मुझे तुम्हें मारना था बिकॉज द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर. उसने किल्ड करा उसके ब्रदर को और उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी. ही वॉन्टेड टू किल द किंग. उसने किंग को मारना था वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द हर्मिट्स प्लेस. कमिंग आ रहा था जब वो. बट एज किंग डिड नॉट रिटर्न सो ही लेफ्ट हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन किंग्स बॉडी गार्ड. सो किंग्स के बॉडी गार्ड थे उसने उसको मार दिया. हु रिकॉग्नाइज द एनिमी एंड बॉडी मैन. आफ्टर लिसनिंग द किंग फॉरगेट द मैन ही रिटर्न ऑल हिज. मतलब उसकी बात सारी सुन के किंग ने उसकी भाई की सारी प्रॉपर्टी दे दी. बिफोर लिविंग द किंग विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. मीन्स उसकी एक विश अभी भी थी कि मेरे को इन 3 क्वेश्चन का आंसर चाहिए. द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द बैट्स. मीन्स वो ना बैट्स मतलब जो खेत में ना सीड्स को बो रहा था. द किंग रिपीटेड इस क्वेश्चन. उसने दोबारा अपने क्वेश्चन रिपीट करे. द हर्मिट आंसर द क्वेश्चन. उसने क्या आंसर करा. मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज वी आर सेल्फ बिकॉज फ्यूचर इज अननोन टू ऑल ऑफ अस. मीन्स
यही एक टाइम होता है जिसमें हम एक बंदे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अनसर्टिनिटी अबाउट मीटिंग एनीवन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इज टू डू गुड टू अदर्स बिकॉज वी हैव सेंट टू हिज वर्ल्ड फॉर द नोबल कॉज। मीन्स उसने उसके तीन क्वेश्चन का आंसर दे दिया। यही राइट टाइम है कि किसी की हेल्प करने का, यही राइट टाइम है कि हम किसी की हेल्प करें, ये हमारा मतलब बेस्ट टाइम है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। अगर कोई डाउट है तो आप ग्रुप में आस्क पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।